सो गाइस, रमज़ान मुबारक आप सबको। एंड रोज़ा रख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने जो रमज़ान का जो मैंने रोज़ा रखा है उसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा आप सबके साथ, बिकॉज़ ये बनता भी है। एंड अच्छा लगेगा मुझे आप सबसे शेयर करने के लिए, एंड एक व्लॉग की तरह शेयर करूँगा इंशाल्लाह। एंड यही चैनल पर शेयर करूँगा, हालाँकि हमारा एक दूसरे चैनल पर हमने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे ना, उस दिन मेरा फर्स्ट रोज़ा था, एंड इट वाज ऑसम एक्सपीरियंस। मतलब मज़ा आ गया, सच में बहुत अच्छा लगा। एंड मैं फुल एग्जैक्टली ए टू जेड पूरा आपको मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। एंड अगर आपको हमारा व्लॉग देखना है जो हमने घर शिफ्ट किया था एंड हमारी ज़िंदगी के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है व्लॉगिंग चैनल का। एंड अगर आप परम व्लॉग्स डालोगे ना तो आपको इजीली मिल जाएगा, एंड ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं कम्युनिटी में तो डाल ही देते हैं हम, है ना। एंड बहुत इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है, बिकॉज रमदान, फर्स्ट रमदान तरावी इन मदीना मस्जिद नबवी, एंड अब्दुल मलिक फरीद साहब की ये वीडियो है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होती हैं उनकी, एंड हर रमज़ान में वो मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम एंड ये वीडियोज़ लेके आते हैं, एंड हमें बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम उन्होंने उमरा किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड उस टाइम भी हमने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ देखी थी, हर एक चीज़ दिखाई थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे। सो चलिए गाइस, आज के वीडियो का आगाज। ये एक्चुअल मस्जिद नबी की हद है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, यानी कि यहाँ से अंदर जो होगा वो भी। कब से कहते हैं इस खाने को अरबी में, और ये काफ़ी मज़े के होते हैं, चावल भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल मलिक फरीद, और मक्का में यहाँ पर आज की खूबसूरत सुबह में आप लोगों को खुशामदीद। हम लोग यहाँ से मक्का से निकल रहे हैं इस टाइम पे और जा रहे हैं मदीनतुल मुनव्वरा। आज जुम्मे का दिन है, 29 शाबान है, और हमारा टारगेट है कि हम लोग मदीनतुल मुनव्वरा में जाकर जुम्मे की नमाज़ पढ़ें। और एस्टिमेट किया गया है कि आज शाम को ही तरावी होगी, तो तरावी भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं, आपके साथ सफ़र शेयर करते हैं और आपको भी साथ ले चलते हैं मदीनतुल मुनव्वरा इंशाल्लाह। इस टाइम पे सुबह के 6:54 हैं और जुमे की नमाज होनी है तकरीबन 12:30 बजे, और हम लोग मक्कतुल मुकर्रमा से भी निकल रहे हैं। मदीना चलो मैं, मदीना चलो, नबी का घर है वहाँ मैं चलूं। ए मेरे मौला तू सुन ले मेरी, ये दिल से गुजारिश है कब से मेरी, वो कब दिन आएगा जब तू मुझे बुलाएगा अपने हबीब के घर, ये देखने को मेरा दिल है बेकरार, वो जब दिन आएगा देखने को मदीने की जानिब मैं दौड़े चलूं, मदीने की गलियों में चलता। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है, तकरीबन कोई 1 किलोमीटर दूर है मस्जिद नबी से, और पैदल जा रहे हैं क्योंकि मस्जिद नबी के नीचे जो पार्किंग थी वो फुल थी। इस तरफ गाड़ी पार्क की है तो ये खूबसूरत जगह मिल गई है। इस तरफ जन्नतुल बकी है। السلام عليكم يا اهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज़ तो पढ़ ली है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। आपने जुम्मा की नमाज़ पढ़ने आना है तो 10 बजे आपको आ जाना चाहिए, फिर अंदर जगह मिलेगी, वरना बाहर बैठ के पढ़नी पड़ेगी नमाज़। बहुत गर्मी है और जुम्मा पढ़ के आ गए हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। मामू से आपको नहीं मिला आया था, मामू समीर हमारे साथ ही हैं इस बार। अब जाके कुछ खाते हैं, पानी लेते हैं सबसे पहले, तो काफ़ी चल के आए हैं धूप में, सख्त धूप में। 38 पे है दर्जा हरारत, पानी लेंगे उसके बाद खाना, सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। तरावियों तक क्या क्या करते हैं सारा आपके साथ आएगा इंशाल्लाह। होली होली आज हमारा लंच यहाँ पर होगा इंशाल्लाह, कब सा खाएंगे। ये हमारा
हमारा खाना आ गया। अगर आपके अंदर सबर हो तो आप आए यहाँ पर खाएँ। अगर आपने अरब खाना खा लिया तो ये चिकन वैसे मैं मुर्गा खाता नहीं हूँ, तरी खा लेता हूँ। शवाया कब से कहते हैं इस खाने को? अरबी में, फुल गर्म है और ये काफ़ी मज़े के होते हैं। चावल भी ऊपर ये रोस्टेड अनियन डाला हुआ है, साथ में अंडा और इस तरह के चावल हैं। ये देखिए अभी हम लोग खाएंगे। ये इसमें मिर्ची होती है चटनी में, चटनी डालें साथ में बोटी डालें और इस तरीके से खाएं। पूरा घंटा डेढ़ इंतज़ार करके अगर आप में सब्र है तो मज़ेदार बहुत है, लेकिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था ऑर्डर आते आते। सब्र का पैमाना लबरेज, माशाल्लाह। बस इसकी प्रॉब्लम यही है कि लेट बहुत करते हैं, वरना रेकमेंडेड है टेस्ट वाइज। हम लोग दोपहर को यानी कि जुमा का नमाज़ पढ़ के खाना खा के फिर चले गए थे होटल लेने, होटल ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और असर और मगरिब यहाँ पर मस्जिद बिलाल में पड़ी है और अभी मगरिब के फौरन बाद ही हम लोग जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ तरावी के लिए। थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि पहली तरावी हो सकता है रश हो जाए ज़्यादा, तो इसलिए फिर इंशाल्लाह आपको आगे के मनाज़िर दिखाएंगे। क्योंकि ये रास्ता सीधा मस्जिद नबवी को लेके जाता है। हमने सुना ही था मतलब कितनी दूर तक आवाज़ जाती है अजान की मस्जिद नबवी की, 10 किलोमीटर 10 पता नहीं 12 किलोमीटर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे इरादे से ज़्यादा दिया, ये वाला हिस्सा मस्जिद नबी का आज खुला है, पुरानी मस्जिद नबी। और यहाँ पर बाब सिद्दीक से दाखिल हुए हैं हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा बाबुस्सलाम इस तरफ है, यहाँ पर है बाबुस्सलाम, यहाँ से लोग दाखिल होते हैं सलाम अर्ज करने के लिए। तो ये वाला हिस्सा जो है आज ही खुला है मस्जिद नबी का अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे यहाँ पर पहली तरावी पढ़ने का मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत सारा शुक्र। और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी इन मकामात पे लेके आए, आप लोग भी आएँ यहाँ पर बैठें, नमाज़ें पढ़ें, दुआएं करें, आप लोगों के दिलों की इल्तिजाएं अल्लाह ताला सुने और कबूल फरमाए। ये पूरा पुराना हरम है, पुराना हिस्सा मस्जिद नबी का, सबसे पुराना हिस्सा। और ये लोग आपको नज़र आ रहे हैं जो सलाम करने के लिए जा रहे हैं, ये सब लोग सलाम अर्ज करने के लिए जा रहे हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आप भी दुरूद सलाम भेजते हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व अज़वाजिही व सहाबीही व सल्लम तस्लीमा कबीरा। ये माशाल्लाह जमजम का इंतज़ाम किया जा रहा है, ये लोग जा रहे हैं जमजम के पूरे वो जो रखते हैं कूलर ड्रम पूरा इंतज़ाम हुआ हुआ है, यहाँ पर भी जमजम रखा हुआ है। मैं जमजम के बारे में सोच रहा था, कूलर बिल्कुल नज़दीक आ गया है मेरे, बिल्कुल पास मेरे पास ही, बल्कि उन्होंने आके रखे। आप लोगों को यहाँ पर ना बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता हूँ, ये देखें इस ये सादा है, इसके ऊपर नहीं है ग्रीन निशान, लेकिन उसके ऊपर ग्रीन निशान है, इसके ऊपर भी ग्रीन निशान है। ये जिन पिलर्स के ऊपर ग्रीन निशान है ऐसे ही ये लाइन चलती जा रही है, वो देखें उसके ऊपर भी है, उसके बाद वो भी है। ये वाला जो इन पिलर के अंदर वाला हिस्सा है ना,
ये एक्चुअल मस्जिद नबी की हद है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, यानी कि यहाँ से अंदर जो होगा वो बिल्कुल पुरानी मस्जिद नबी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की थी उससे अंदर होगा। साढ़े आठ बजे ईशा की नमाज़ ख़त्म हुई थी और अभी तरावी की नमाज़ ख़त्म हुई है। तरावी हम लोगों ने 13 रकातें पढ़ी हैं, यानी कि 3 रकातें वितर और 10 रकातें तरावी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली जो तरावी थी हमने पुराने हरम में पढ़ी है, 10 रकात थी तरावी, 3 रकात वितर और अभी जा रहे हैं कुछ ना कुछ खाते हैं, तो आपको दिखाते हैं क्या चीज़ खाते हैं। आपको पता है मैं जब भी मदीना आता हूँ इस मार्केट से ज़रूर खाता हूँ खाना एक बार। चलते हैं अंदर। यहाँ पर बैठते हैं, ये मार्केट है, आपको पता है इस मार्केट का काफ़ी अच्छी मार्केट है, काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पर। हाँ इंटर इना को यला नफरेन कबाब यो ला मोए बस। अभी हमने कबाब ऑर्डर किए हैं यहाँ पर और देखते हैं आता है तो आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे कैफ मिया मिया कब अपलोड करेगा। क्या नाम है आप? शाहजेब रफी। शाहजेब भाई हमें मिले हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट की है व्लॉग में ले आए हैं। अब ये कल हो गए माशाल्लाह। फिन कबाब कुछ चीजें हमारे लिए लेके आए। सबसे पहले तो ये रोटी है ना, मेरे चम्मच लेके उनको भी याद नहीं मेरा रोजा है। और उसके बाद यहाँ पर सैलेड लेके आए हमारे लिए ये वाली, और उसके बाद यहाँ पर ये तहीनियाँ लेके आए। आप लोग काफ़ी इन चीज़ों से ना वाकिफ हो चुके होंगे मेरे व्लॉग्स देख देख के। और ये है गरम चटनी, गरम चटनी यानी कि ये तैयार है बस, बाकी हैं हमारे कबाब। फातूर अशोक नफर कबाब ये واحد مويه كبير واحد صغير شكرا واحد مويه كبير प्याज لگا ये हमारे पास कबाब आ गए। अभी हम लोग कबाब टेस्ट करते हैं। ये हम लोग सबसे पहले कबाब ट्राई करते हैं, काफ़ी जूसी हैं। इनके पास मैंने पहले खाया हुआ है, पहली बार नहीं है मेरे लिए। और इनको हम लगाते हैं तहीनिया के साथ, ये यहाँ पर थोड़ा सा तहीनिया इस तरीके से और थोड़ा सा ये मिर्ची वाली। ये हमारा वाला बन गया, थोड़ा सा रहम करें हम पे। वो पीछे अंकल सलाद सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। मज़े आ गए, सारे जायके मिक्स हो गए। ये यहाँ पर हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं, आपको अभी मिलवाता भी हूँ उनसे, तो उन्होंने ये स्पेशल हमें बना के दिया है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनको थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा हो गया खाना लेकिन ख़त्म हो जाएगा, मामू हैं मेरे साथ मामू ख़त्म कर देंगे। ये माशाल्लाह बोटी है, इसके साथ लगाएं मिर्ची और इसको लगाएं तहीनिया में और जाने दे सीधा। कहते जाने दे सीधा बिस्मिल्लाह। गोश्त का अपना मजा है। बहुत शुक्रिया भाई जान। मंदिर ये वही है ना अंकल? आपका नाम? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम भाई, मोहम्मद नदीम भाई हमारे लिए प्लेट ले आए थे, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह खा पी लिया और आपका शुक्रिया यहाँ तक व्लॉग के साथ रहने के लिए, और ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद मेरी मदीना की वीडियोस देखनी है तो इस तरफ क्लिक कर दें और मैं रोड क्रॉस करता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये था हमारा वीडियो बाय अब्दुल मलिक फरीद साहब, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, बहुत बेहतरीन वीडियो था। एक तो मेरा रोज़ा भाई, ऊपर से भाई साहब अलग अलग कबाब दिखा रहे ना भाई, पता नहीं किस किस के साथ खा रहे थे। एक तो अभी सिर्फ 12 बजे दोपहर के, 6 घंटे और है मेरे लिए। कोई बात नहीं, हमारे पास ताकत है, अल्लाह साथ है भाई, क्या टेंशन है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, बट फुल ऑन बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड इनकी और भी वीडियोस आई हैं, हम एक्चुअली लेट हो गए ना, हम घर शिफ्ट कर रहे थे उस वजह से। और इन्होंने, मैंने देखा कल इन्होंने एक वीडियो डाली थी इफ्तार की वीडियो मदीना में, और मुफ्ती मैंग का भी मैंने देखा भाई, मुफ्ती मैंग साहब का ना वो उन्होंने स्टोरी डाला, सेम वही खाना जो ये दिखा रहे हैं। दोनों उधर मिले नहीं होंगे, दोनों अब्दुल मलिक फरीद साहब और मुफ्ती मैंग साहब, बट देखते हैं क्या होता है।